दोस्तों आपको यहाँ पर बसेस दिखाई दे रही होंगी, बस दिखाई दे रही होगी। ये ली गई है तस्वीर आपकी NCERT की कक्षा तीसरी की पुस्तक गणित का जादू के पार्ट 3 से। तो यह दरअसल जो बसेस यहाँ पे दी गई हैं, यह एक खेल है यानी कि गेम, जिसका नाम है मन की बस, माइंड बस। तो आज हम मिलकर खेलने वाले हैं यह खेल। तो चलिए देखते हैं इस खेल में आखिर क्या होगा। तो दोस्तों ये जो बस यहाँ पर दी हुई है, दरअसल ये अलग अलग बस नहीं है, एक ही बस जब अलग अलग स्टॉप पर जा रही है तो उसमें कुछ लोग चढ़ रहे हैं और कुछ लोग उतर रहे हैं। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है और हमें देखना है कि कुल बस में उस समय पर कितने लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ ये एरोज जो दिए हुए हैं उसका मतलब क्या है। अगर हमें कहीं पर भी ऊपर का एरो या फिर जमा का साइन दिखाई दे तो इसका मतलब है कि चढ़ते लोग, पीपल बोर्डिंग द बस। और कहीं हमें दिखाई दे नीचे का आरो और यह घटा का साइन तो इसका मतलब है उतरते लोग, पीपल लीविंग द बस। तो चलिए अब हम यह खेल शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, पहले बस स्टॉप पर बस में चढ़े 20 लोग, क्योंकि ऊपर का आरो है, और उतरे कितने लोग, 17 लोग। तो कुल मिलाकर कितने लोग जो हैं वो बस में इस समय पर मौजूद होंगे, अगर 20 लोग चढ़े और 17 लोग उतर गए तो जरा बताइए कितने लोग मौजूद होंगे। यह दो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें सही ऑप्शन चुनना है। मैं तो बोलकर कर रही हूँ, आप अपने मन में सवाल का जवाब पता लगाइए। अगर 20 लोग हैं और उसमें से 17 उतर गए तो बस में इस समय कितने लोग मौजूद होंगे। 20 में से अगर 17 लोग जो हैं वो बस से उतर जाते हैं तो इस समय बस में होंगे 3 लोग। तो बस में है इस समय पर 3 लोग। चलिए अब देखते हैं कि ये जो अगला बस स्टॉप है इस पर कितने लोग चढ़े और कितने उतरे और कितने लोग इस समय बस में मौजूद हैं। सबसे पहले तो देखिए, पहले से बस में, पहले बस स्टॉप पर जब लोग चढ़े और उतरे थे तो पहले से इस बस में मौजूद होंगे 3 लोग। उसके बाद देखिए यहाँ ऊपर का आरो है 19 के पास, तो 19 लोग बस में चढ़े और उतरे कितने, 3 लोग। तो यह हुआ हमारा कुल मिलाकर संख्याएं चढ़ने और उतरने वाले लोगों की। अब हमें बताना है कि इन दोनों में से सही उत्तर क्या होगा, इस समय बस में कितने लोग मौजूद हैं। देखिए ध्यान से, 3 लोग पहले से बस में थे, 19 और चढ़े और 3 उतर गए। तो पहले से जो जितनी संख्या बस में मौजूद थी लोगों की वो तो उतर गए, तो सिर्फ जितने चढ़े उतनी ही तो संख्या मौजूद होगी, यानी कि 3 जो लोग पहले से मौजूद थे वह उतर गए। तो कुल मिला के जितने लोग चढ़े थे यानी 19 लोग, वही होने चाहिए यहाँ पर। तो 19 हमारा सही उत्तर होना चाहिए, पर हम अलग तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 लोग पहले से थे और 19 और चढ़े, तो कुल मिलाकर कितने होंगे, यह 3 और 19 को अगर हम जोड़ दें तो यह होंगे 20, 21, 22। तो 22 लोग कुल मिलाकर बस में मौजूद थे जिनमें से 3 लोग उतर गए। तो 22 में से 3 लोग उतर गए तो कितने लोग बचे, 22 में से 3 उतरे तो 21, 20 और 19, तो कितने लोग बचे, 19 लोग। तो बस में बचे हैं 19 लोग। अब देखते हैं अगले स्टॉप पर क्या हुआ। अब अगले स्टॉप पर पहले वाले स्टॉप से ही मौजूद थे 19 लोग, अब इस बस में चढ़े 9 लोग और, क्योंकि ऊपर का आरो है और फिर 12 के आगे प्लस का साइन है, तो यह चढ़े जो लोग चढ़े हैं उनकी संख्या होनी चाहिए, यानी कि ऊपर का आरो है, तो यानी कि 12 लोग और चढ़े। तो अब हमें बताना है कि यहाँ पर बस में कुल मिलाकर कितने लोग मौजूद हैं। हमें यह दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमें उत्तर निकालना है। तो देखिए दोस्तों, 19 लोग थे पहले से मौजूद और उसमें 9 लोग और चढ़े, तो यह 19 और 9 मिलाकर कितने लोग हुए। अगर हम 19 में 10 जोड़ते हैं तो होते हैं 29, यानी एक दहाई बढ़ जाती है, तो 29 लोग होते, लेकिन हमें 9 जोड़ने हैं तो 29 से एक कम यानी कि 28। तो यह हुए, जब 9 लोग चढ़े तो कुल मिलाकर हो गए 28 लोग, लेकिन 12 लोग और भी तो चढ़े हैं, तो 28 में यदि हम 12 जोड़ दें तो कितने लोग हो जाएंगे इस बस में, 28 में यदि हम 10 जोड़ते हैं तो होते हैं 38। अब दो और इकाइयां जोड़नी है तो 38 में दो और जोड़ देते हैं 39, 40। तो यह हुए कुल मिलाकर बस में इस समय पर 40 लोग। तो हमारा उत्तर आया 40। अब देखते हैं अगले स्टॉप पर क्या हुआ। पहले से तो बस में मौजूद थे 40 लोग, अब देखिए ऊपर का आरोह है 20 के पास, तो 20 लोग और चढ़े और कितने लोग उतरे, 9 लोग। और हमें बताना है कि इस समय पर बस में कुल मिलाकर कितने लोग जो हैं वो बचे होंगे।
इन दोनों में से क्या हमारा उत्तर सही होगा? तो सबसे पहले देखिए, 40 लोग पहले से मौजूद थे और 20 और चढ़े। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें पता लग जाएगा बस में कुल मिलाकर कितने लोग हुए। तो 40 और 20 में है 4 दहाई और 2 दहाई और 0 इकाई। तो 4 और 2 अगर हम जोड़ें तो आएगा 5, 6। तो यहाँ पर होनी चाहिए 6 दहाई यानी कि 60। तो कुल मिलाकर बस में हुए 60 लोग, लेकिन 9 लोग उतरे भी तो। तो अगर हम उनमें से 60 में से 9 को घटा दें तो कितना उत्तर आएगा हमारा? अब अगर हम 60 में से पूरे 10 हटा दें, यानी कि एक समूह 10 का एक दहाई हटा दे, तो कितना होता है? 50 होता है, लेकिन हमें हटाने थे केवल 9। तो 50 में हम एक जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तर हुआ 51 यानी कि 51। तो यहाँ इस बस में अब कुल मिलाकर मौजूद है 51 लोग। तो दोस्तों, हमने खेला ये खेल जिसका नाम था मन की बस, जिसमें हमने पता लगाना था कि हर स्टॉप पर कितने लोग जो हैं कुल मिलाकर बस में मौजूद होंगे अंत में, जब उसमें कुछ लोग चढ़े और कुछ लोग उतरे। तो अब आप बताइए, यह खेल खेलकर, मन की बस खेल खेलकर, कि यह जो बस स्टॉप्स हैं जहां पर 3 बार बस दिखाई गई है, यहां पर आखिर कितने लोग बस में मौजूद होंगे? सबसे पहले तो अगर हम देखें तो 19 लोग बस में चढ़े, तो सबसे पहले शुरुआत में तो 19 लोग हैं, लेकिन अंत तक जाते जाते बस स्टॉप तक कितने लोग बस में मौजूद रह जाएंगे? अब आप पता लगाइए इन सब का उत्तर और खेलिए ये खेल जिसका नाम है मन की बस। आप चाहें तो ये खेल अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं और जो सही उत्तर दे उसे मिल सकते हैं 5 अंक।